नोटबंदी तो आप सबको याद ही होगी, उस नोटबंदी ने भी देश के लोगों का उतना बुरा हाल नहीं किया था जितना कि इस पीएमसी बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स का कर दिया है। 23 सितंबर 2019 को आरबीआई ने इस बैंक पे कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए और इसके सभी तरह के कामकाजों को रोक दिया। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने पैसा निकालने के लिए भी कुछ लिमिट्स लगा दी, जैसे कि शुरुआत में 6 महीनों के अंदर में सिर्फ 1,000 रुपये की परमिशन दी गई थी निकालने के लिए, फिर उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया और फिर उसे बढ़ा के 25,000 रुपये तक कर दिया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब महीना त्योहारों का चल रहा हो, खासतौर से वो लोग जो शहरों में रहते हैं, ये 25,000 और 10,000 रुपये में उनका एक महीना भी चल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ हर वक्त मन में एक डर बने रहना, एक चिंता लगी रहना कि कहीं अगर ये बैंक 6 महीने के बाद बंद हो गया तो मेरे जो पैसे जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए थे, जो उस बैंक में जमा है, उन पैसों का फिर क्या होगा। खैर, मैं इनकी परेशानियों को तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन अपनी आवाज़ जरूर उठा सकता हूँ इस तरह के सभी बैंकों के खिलाफ जो लोगों के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने सभी दर्शकों को ये जानकारी दूँ कि कैसे वो आने वाले भविष्य में इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं, क्यों कोऑपरेटिव बैंक्स में इस तरह के फ्रॉड हमेशा सामने आते, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इसी साल कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पे इस तरह के फ्रॉड्स हुए और आरबीआई को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी है। क्यों आखिरकार आपका पैसा एक प्राइवेट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक में ज्यादा सुरक्षित है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के मुकाबले में। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर यह जानकारी भी मिलेगी कैसे इस बैंक ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का फ्रॉड कर दिया। इसके साथ ही साथ सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह के फ्रॉड ना हो। और हम अंत में ये भी जानेंगे कि अगर आपका बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, अगर वो कल को बंद हो जाता है तो आपको वहां से कितनी रकम मिल सकती है, या फिर कुछ रकम मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश झा, आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एकदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप इस फ्रॉड को अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसी साल 31 मार्च 2019 का जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो इस बैंक का जो प्रॉफिट का अमाउंट रहा वो 99.69 करोड़ का रहा, यानी कि 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। इसके बाद जो इनके पास टोटल डिपॉजिट्स थे वो भी 11,000 करोड़ से ज्यादा के थे, ये भी काफी अच्छा अमाउंट है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका लोन्स एंड एडवांसेस का अमाउंट, तो वो भी कुछ 8,400 करोड़ के लगभग का है, कहीं कहीं पर इसे 8,800 करोड़ के लगभग बताया गया है, तो ये इसी के बीच का कोई एक फिगर होगा। तो इतना लोन्स एंड एडवांसेस इसने दिया था। फिर उसके बाद अगर आप इसका एनपीए देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो भी कुछ खास नहीं है, वो भी कुछ 3% के बराबर में है। अब ये सारी फिगर्स इसकी काफी संतोषजनक है, इनको देख के नहीं लगता कि ये बैंक में कोई फ्रॉड हो रहा था या कोई घोटाला हो रहा था। तो उसके बाद सवाल ये आता है कि आरबीआई ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई क्यों। दरअसल आरबीआई ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई क्योंकि ये सारे फिगर्स मैनिपुलेटेड हैं, इनमें भर भर के झूठ कहा गया है। और इसी तरह के झूठे फिगर्स आरबीआई को पिछले 11 सालों से दिखा रहे थे। आरबीआई इतने सालों तक इसके झूठ को नहीं पकड़ पाया, अब जाके फाइनली आरबीआई को पता चला कि ये सारे फिगर्स मैनिपुलेटेड हैं, तो आरबीआई ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। आरबीआई का एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है, आरबीआई को लेना जरूर चाहिए था और आरबीआई ने सही किया, अभी भी लेगी, क्योंकि अभी भी अगर आरबीआई नहीं लेती तो कुछ सालों में हमें ये न्यूज सुनने को मिलती कि इसके सारे प्रमोटर्स डायरेक्टर जो है वो देश छोड़ के लोगों का पैसा लेके भाग गए, जैसे कि विजय माल्या टाइप जो लोग भागे थे। तो इसलिए अच्छा हुआ कि आरबीआई ने अभी कम से कम एक्शन लिया ताकि लोगों का पैसा जो है वो आने वाले भविष्य में सुरक्षित रहे और ये लोग देश छोड़ के ना भाग पाए। अगर आप इस बैंक के साइज की भी बात करें तो ये बैंक काफी बड़ा है, ये हमारे देश के जो टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें से एक है। इसके 137 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 6 स्टेट्स ऑफ द कंट्रीज, इंक्लूडिंग हमारा दिल्ली के अंदर में भी है। फिर उसके बाद अगर आप इसमें कर्मचारियों की संख्या की बात करेंगे तो 1800 से भी ज्यादा लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है। तो बैंक काफी बड़ा है अपने आप में और ये उन चुनिंदा बैंकों में से है जिसको बहुत ही कम वक्त में आरबीआई से शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल गया। तो बैंक की पोजीशन पहले काफी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर कैसे इस बैंक के अंदर में फ्रॉड हो गया, किसकी वजह से फ्रॉड हुआ, तो अब जरा इसकी पूरी कहानी जान लेते हैं। इस कहानी के कई सारे किरदार है, जो पहला किरदार है इस कहानी में वो है पीएमसी बैंक के एमडी जॉय थॉमस, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है और जो फिलहाल अभी पुलिस की हिरासत में भी है। जो दूसरा किरदार है वो है एचडीएल ग्रुप के प्रमोटर्स वाधवांस, ये एक रियल स्टेट कंपनी है, तो वाधवांस भी अभी पुलिस के हिरासत में है। और जो तीसरा मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण किरदार है इस कहानी का वो है वरियाम सिंह, जो कि पीएमसी बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ वो एचडीएल ग्रुप के डायरेक्टरों में भी थे और उस एचडीएल ग्रुप में इनकी हिस्सेदारी भी रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक ही आदमी दो दो जगहों का हिस्सेदार है तो उसने कितने आसानी से ये फ्रॉड को इस फ्रॉड को अंजाम दिया होगा। फिलहाल ये इंसान भी अभी पुलिस की हिरासत में है। और जो चौथा किरदार है
वो है आपका इन कंपनीज के जो ऑडिटर्स हैं वो, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक करें हर साल कि कंपनी में कोई गड़बड़ी ना हो रही हो। पुलिस अभी इनसे भी पूछताछ कर रही है, सीए इंस्टीट्यूट भी इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है कि कैसे इन्हें इतने सालों तक तो कुछ पता नहीं चला। तो हुआ यूं कि वरियाम सिंह पीएमसी बैंक के चेयरमैन थे और इसके साथ ही साथ वो एचडीएल ग्रुप के भी डायरेक्टर रहे और हिस्सेदारी भी थी उसमें। तो बड़े बड़े अमाउंट का जो लोन था ना, वो आराम से पीएमसी बैंक ने एचडीएल ग्रुप को देना शुरू कर दिया। एचडीएल ग्रुप ने टाइम से किस्तें नहीं चुकाएं, उसके बाद भी ये उसको बड़े बड़े अमाउंट का लोन देते चले गए और टोटल जो उसको लोन का अमाउंट दिया जा चुका था वो 6,500 करोड़ के लगभग का था। और ये 6,500 करोड़ है ना, ये इनके टोटल लोन का कुछ 73% के लगभग का हिस्सा है। मतलब ये कि इन्होंने जितना भी अगर 100 रुपये का लोन बांटा पूरी दुनिया को, तो उसमें से 73 रुपये के लगभग सिर्फ इन्होंने एच डी एल ग्रुप को दे दिया। और ये लोन ऐसे ही नहीं बांटा गया, इसके लिए 21,000 से भी ज़्यादा फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए जिनके जरिए सारा पैसा ट्रांसफर हुआ। जी हाँ, 21,000 से भी ज़्यादा फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए। सोचिए तो कितना इंटेंशनली होके, मतलब बहुत ही प्लानिंग के साथ इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि एचडीएल ग्रुप की जो कंपनी है ये बैंक करप्ट हो गई। अभी जैसे ही बैंक करप्ट हो गई तो जितना भी पैसा पीएमसी बैंक ने इनको लोन के रूप में दिया था वो सारा पैसा डूब गया। अब इनको ये चाहिए था पीएमसी बैंक को कि जो भी पैसा डूब गया उसे वो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर शामिल कर लेती एनपीए के अंदर में, जो कि इन्होंने नहीं किया और फिर उसको छुपाने की भी बहुत कोशिश करी। लेकिन दुनिया के सामने आखिरकार ये बात आ ही गई कि इस बैंक ने 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला किया है। फिलहाल अभी ये जितने भी किरदार हैं, वरियाम सिंह, जॉय थॉमस और ये वाधवान, अभी ये सब जेल की हवा खा रहे हैं, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आना लोगों के बाकी है। तो देखिए जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि सब कुछ फिर सारी स्थिति जो है साफ होती चली जाए। मैं यही उम्मीद करूँगा कि किसी का भी पैसा, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें किसी का भी पैसा ना डूबे, सबका पैसा सुरक्षित रहे। भले 6 महीने का टाइम ले रही है आरबीआई तो ले, लेकिन उसके बाद आरबीआई कुछ अच्छी न्यूज़ ही सबको सुनाए। तो आपने ये समझ लिया कि कैसे ये फ्रॉड हुआ। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिरकार कोऑपरेटिव बैंक्स में ही इस तरह के फ्रॉड क्यों होते हैं, कैसे ये बैंक आरबीआई को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, क्यों आखिरकार एक नॉर्मल प्राइवेट बैंक जो है वो इनसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो देखिए जो इसका पहला कारण है वो ये कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनको लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसको जो रेगुलेट करते हैं ना उसकी सारी पावर आरबीआई के पास है नहीं। इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी जो है वो कई सारी है। जी हाँ, इसको आरबीआई भी रेगुलेट करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी है, फिर कई सारे एक्ट भी हैं जो इसके ऊपर लगते हैं। तो क्योंकि मल्टीपल रेगुलेटर बॉडीज़ हैं इसकी, तो इस चक्कर में होता ये है कि आरबीआई जो है इस पर ढंग से नज़र नहीं रख पाता और इसके चक्कर में आरबीआई को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जो दूसरा प्रमुख कारण है वो ये है कि इसके अंदर सभी कोऑपरेटिव बैंक्स में अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहता है। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं पर कुछ नेताओं का कनेक्शन हमेशा इन बैंकों से रहा है। तो ये दूसरा प्रमुख कारण। और जो तीसरा कारण है वो ये कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन कुछ प्रमुख कारण थे। अब इसका इलाज यही है कि सरकार जो है पूरी पावर आरबीआई को दे कि आरबीआई ही इन सब की निगरानी रखे, जैसे कि वो प्राइवेट बैंकों की करती है। इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो इसमें इन्फ्लुएंस है, अगर वो भी कम हो जाए तो और ज़्यादा बड़ी राहत मिलेगी कोऑपरेटिव बैंक्स को चलाने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर ये सरकार कर देती है आने वाले भविष्य में, तो मैं कहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स में भी आपका पैसा उतना ही सुरक्षित होगा जितना कि सरकारी बैंकों में या किसी आम प्राइवेट बैंक में होता है। और अगर सरकार ये नहीं करती, तो फिर जो सरकार का जो ड्रीम है, जो सपना है कि डिजिटल इंडिया, फिर उसके बाद कैश लेस इकोनॉमी, ये सब धरा का धराई रह जाएगा। क्योंकि अगर लोगों का एक बार बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया तो उसके बाद बहुत लंबा वक्त लगेगा वापस उस भरोसे को वापस लाने में। तो इसीलिए सरकार को ये कदम बहुत जल्द से जल्द उठा लेना चाहिए। अब जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपका बैंक बंद हो जाए, चाहे आपका बैंक प्राइवेट हो, सरकारी हो या कोऑपरेटिव हो, तो उस वक्त आपका पैसा उस बैंक में किस हद तक सुरक्षित रहने वाला है। तो देखिए, जो मैक्सिमम गारंटी मिलती है पर अकाउंट पे वो 1,00,000 रुपए की है। जी हाँ, यानी कि अगर आपका एक अकाउंट में 1,00,000 रुपए भी है तो आपको गारंटी सिर्फ 1,00,000 रुपए की ही दी जा रही है। हालांकि अगर वो बैंक बंद होता है तो फिर उसके एसेट्स बेचे जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ और रकम आपको मिल जाए, लेकिन इन सब में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक्चुअली में एक एक्ट है हमारे यहाँ पे, जिस एक्ट के तहत हर एक अकाउंट का इंश्योरेंस हो रखा है और हर एक अकाउंट को जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है वो 1,00,000 रुपए का मिला हुआ है। अब जब ये 1,00,000 रुपए की लिमिट तय की गई थी, तब का जमाना कुछ और था, तब भारत गरीब था, उसने थोड़ा थोड़ा करके विकास होना उसमें शुरू हुआ था, तो उस टाइम के लिए लिमिट ठीक था। लेकिन आजकल की डेट के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कम है। दुनिया के कई सारे देशों में इससे ज़्यादा लिमिट का जो इंश्योरेंस कवर है वो दिया जाता है। तो एक मेरी नज़र में सरकार को इसे भी अब बढ़ा देना चाहिए ताकि लोगों का जो भरोसा है बैंकिंग सिस्टम पे वो बना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश करी कि कम टाइम के अंदर आसान भाषा में आपको इस केस से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकूं।
और एक और बात है कि इस टॉपिक पे मैंने वीडियो काफ़ी लंबे टाइम की बात डाली है, तो इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे चैनल्स इसके ऊपर वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुके हैं, मेरी वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आई है। तो अब खैर, अब जो भी हुआ वीडियो आ चुकी है, तो इससे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके उसको इतना शेयर करें। कुछ भी कहना हो तो फ्री होकर कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं आप। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना चैनल को ना जाएं। तो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।